हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैंने अपनी बहन को कत्ल किया तो मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। कराची सऊदाबाद की अलीना के लर्जा खेज कत्ल का बड़ी बहन के हाथों छोटी बहन के कत्ल के एतराफ ने सबके दिल दहला दिए। वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश हो गई नाकाम। बेहिस अलवीना का अपने मंगेतर मजहर के साथ मिलकर बहन के गले पर छुरी फिरवाने का एतराफ, खुद को भी इसी छुरी से बाजू पर जख्म लगाए। कातिल बहन ने सब उगल दिए। मैंने अपनी बहन को कत्ल किया है, दुश्मन बन गए मेरी बहन मेरी। अलीना और उसके दोस्तों एहसन और अब्बास के पास मेरी तस्वीर और वीडियोस थी जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करते और गलत काम भी करते। मुलजिमा अलवीना का बयान, कहा कि मामलात से तंग आकर पहले एहसन और फिर अलीना को ठिकाने लगाने का सोचा। एहसन और अब्बास ने अलवीना को ही असल मुजरिम करार दे दिया। कहा कि हम नहीं, अलवीना हमें ब्लैकमेल किया करती थी। गिरफ्तार मंगेतर मजहर का भी अलवीना का एतराफ। मैं बोला या तो मैं खुद मर जाऊंगी या इसको मार दूंगी, उससे नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझसे बोला ये कुछ करना है इसका, फिर उसके साथ मिलकर ये काम कर रहा था हमने। अलीना के कत्ल में वालदैन की बेखबरी और मोबाइल के बेजा इस्तेमाल का अहम किरदार। पास कीमती फोन होने के बावजूद वालदैन ने क्यों ना पूछा। बच्चियां फोन पर घंटों घंटों बातें करती थी लेकिन कुछ इल्म क्यों ना हुआ। इल्जाम कातिलों को दिया जाए या वालदैन को या फिर माशरे को, सवालात जवाब से ज्यादा तवज्जो के हकदार। अब हुदायबा पेपर मिल का केस सामने आएगा तो पता चलेगा कि गली गली में शोर है, सारा टपर ही चोर है। इमरान खान के छुट्टी के दिन पर वार, कहा कि हुदैबिया केस में पूरा शरीफ खानदान चोर निकलेगा। मुल्क का करप्ट निजाम लोगों के लिए जमीन तंग कर रहा है। शरीफों और जरदारियों के जाने के बाद मुल्क दोबारा अजीम बनेगा। इक्तदार मिलने पर साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान को भी इक्तदार में आकर 200 माहिरीन के साथ मुल्क को ठीक करेंगे। इदारे चलाने के लिए ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इमरान खान का ऐलान कि जो लोग खिलाड़ी थे वो सियासत में आए तो मेरा ख्याल था कि वो शायद नौजवानों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करेंगे और सियासत के अंदर एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ आएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जो उन्होंने मैच 2013 में हारा उस हार को तस्लीम नहीं किया। इमरान खान ने 2013 में मैच हारा लेकिन तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, वो जिद्दी खिलाड़ी की तरह मैच रोकना चाहते हैं। वजीर दाखला एहसन इकबाल के कप्तान पर तनकीदी बाउंसर्स। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने आज फिर वही घिसा पिटा टेप चलाया, वो अपनी तकरीरों से खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें 4.5 साल में झूठ बोलने और गालियां देने के अलावा कुछ नहीं किया। फैसलाबाद के धोबी ग्राउंड में लीगी सरकार को धोबी पटका। कौमी और सूबाई असेंबली शराकीन ने इस्तीफा दे दिया। पीर हमीदुद्दीन सियालवी ने कहा कि आज सियासत के लिए नहीं बल्कि खत्म नबूवत की हुरमत के लिए जमा हुए हैं। राणा सनाउल्ला ने इस्तीफा, तो अगला पड़ाव लाहौर होगा जहां मजीद 15 इस्तीफे देंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के आस्थाने पर सियासी मुरीदों की हाजिरियां जारी। शेख रशीद अहमद और चौधरी बरादरान की ताहिरुल कादरी से मुलाकातें। सरबरा पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कहा शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला को हर सूरत सरेंडर करना होगा। के लिए पानामा तर्ज की JIT बनाने का भी मुतालबा। MQM के 4 रहनुमाओं का 16 माह बाद बानी से अलहदगी का ऐलान।
साबिक सेनेटर बाबर गौरी, शमीम सिद्दीकी, अंबर खान और डॉक्टर नदीम ने पार्टी छोड़ दी। बाबर गौरी कहते हैं MQM एक ही है, कोई लंदन या पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो पाकिस्तान को दोबारा ये मसलों को निकाल सकती है। इनका किसी का जाली खान हो या नवाज हो, ये सब ने तो खुद फंसाया। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी मुश्किलात का सामना नहीं कर सकती। हम ही हैं जो मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकते हैं। मियां साहब ने हमें मसाइल में फंसाया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मुखालफीन पर वार, कहा जाली खान हो या मियां साहब, कोई मसाइल का हल नहीं निकाल सकता। शहबाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी फ्रंट फुट पर खेलने लगी। एतजाज अहसन का शहबाज शरीफ और राना सनाउल्ला से फौरी इस्तीफा देने का मुतालिबा। कहा कि नवाज शरीफ जानते हैं कि अदलिया और फौज के साथ मिलकर किस तरह साजिश करनी है। उन्होंने हर दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की, मिसा के जमहूरियत के बाद भी अपनी रविश नहीं बदली। अवाम करप्ट हुक्मरानों के ऐवानों में नहीं, अडियाला जेल में देखना चाहते हैं। मुल्क में इख्तदार चोरों, डाकुओं और अमरीकी एजेंटों के हाथ में है। सिराजुल हक का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा 36 ममालिक के इस्लामी अफवाज फलस्तीनी मुसलमानों की मदद करे। अमरीकी फैसले पर कराची मिलियन मार्च का भी ऐलान। मुल्क में मौसम सरमा की पहली पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ उठाने एबटाबाद, मरी और नथिया गली पहुंच गई। लाड़काना, सक्खर और कंदकोट में बारिश से ठंडा मौसम मजीद ठंडा हो गया। खुश्की खत्म होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। पाकिस्तान बिला इम्तियाज इंसानी हुकूक और मजहबी आजादी पर यकीन रखता है। कश्मीरी फलस्तीनी मुसलमान बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। आलमी बिरादरी उनके हुकूक के लिए कोशिशें करे। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पैगाम। अमरीका मकबूजा बैतुल मकदस को इजरायली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले। अरब लीग हम आवाज मुश्तरका ऐलानिये में कहा कि अमरीकी फैसले की कानूनी हैसियत नहीं, इससे खित्ते में तशद्दुद बढ़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के मुतनाज़े फैसले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। लबनान, फ्रांस और तुर्की के आवाम सड़कों पर निकल आए। कराची में दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की रैली, मजलिस वहदतुल मुहताज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज कराची की 16 साला अलीना से, जिसे उसके अपने ही घर में कत्ल कर दिया गया था। इस लर्जा खेज वारदात के असल किरदार अलीना की बहन और उसका मंगेतर निकला। बड़ी बहन अलवीना ने छोटी बहन का कत्ल करवाया और वाकये को डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन 5 रोज के बाद सच सामने आ गया। मैंने अपनी बहन को कत्ल किया, मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। कराची में लड़की के लर्जा खेज कत्ल का ड्रॉप सी दिल कोई और नहीं, खुद सगी बहन निकली। मैंने अपनी बहन को कत्ल किया, दुश्मन मन गया जान, दुश्मन मेरी बहन मेरी। 5 दिसंबर को सऊदाबाद में कत्ल की हौलनाक वारदात हुई। कहा गया कि 16 साला अलीना को घर में घुसकर छुरी के वार से कत्ल किया गया। उस वक्त वारदात को दिया गया था। पुलिस ने खोज लगाई तो होलनाक इंकशाफ हुआ, अलीना की कातिल कोई और नहीं, खुद उसकी बड़ी अलवीना निकली। सगी बहन ने मंगेतर मजहर के साथ मिलकर अपनी ही छोटी बहन को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मजहर घर के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। मुलजिम अलवीना ने दरवाजा खोलकर मंगेतर को घर बुलाया।
गले पर छुरी चलाकर कत्ल किया, फिर वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि उसने मुबैना कातिल मजहर को छुरी खुद ही फराहम की थी। मैंने अपने मंगेतर को अंदर बुलाया था, छुरी भी मैंने दी थी उनको, उन लोगों ने बात भी की थी, समझाया था पहले कि देखो सब खत्म कर दो। एसएसपी कोरंगी नुमान सिद्दीकी ने बताया कि केस में शरीक तमाम मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन लोगों ने बड़ा डेलिकेटली ये चाहते थे, उनको पहले दिन ही शक हो गया था कि ये लड़की ही, लेकिन अगर हम उसको अरेस्ट करते तो एक और वो नहीं मानती और वो चीज़ें हमारे को रिकवर नहीं होती, तो फिर हमारे को क्या कहते हैं शायद एम्बेरसमेंट हो जाती। अलवीना ने छोटी बहन के कत्ल के बाद खुद को मासूम जाहिर करने के लिए अपने सर और बाजू पर जख्म भी खुद ही लगाए थे। बहन को कत्ल करके मासूम बनने वाली मुलजिमा अलवीना ने झूठ ऐसी महारत से बोला कि वालिदैन तो क्या, पुलिस वाले भी सच समझ बैठे, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते और सच मिटाए नहीं मिटता। दरवाजे में घुसते ही उसने ना बंदूक रख दी मेरे बहन के सर, तो वो यहाँ से भागते हुए आई यहाँ पर, वहां से यहाँ पर आई कहने लगा अभी उठो चोर आ गया अभी उठो। हमें खड़ी हुई खड़ो की देखा वो दूसरा आदमी जाया, उसने मैंने यहाँ पर रख दिया, अगर आवाज निकाली है तुम लोग की कब्रें यही बना दूं। ये है अलवीना के वो अल्फाज जो उसने अपनी बहन के कत्ल के बाद कहे। अलवीना अपने झूठ पर इतनी पुख्ता थी कि पुलिस तो क्या, घर वाले भी उसकी मक्कारी पकड़ ना सके। मेरी बहन ने बोला कुछ लेके जाने नहीं दूंगी, जुड़लियाँ मेरे मम्मा पापा की कुछ लेके नहीं दूंगी, फिर मेरे क्यों कह लगा तुम्हें मार दूंगा सब निकाल दो। मेरी बहन ना मां खटाने लग गई थी यानी कि पीछे पड़ गई थी, वो गई छुरी उठाने की नहीं वहां से गिरी, मैं डराऊंगी मारूंगी सिर्फ डराऊंगी, छुरी उसने सिर्फ उठाएगी डराने की नहीं, उसका बस वही पकड़ के उसको गोल घुमा के उसका गला काट। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, झूठ के पैर नहीं होते और बिलाखिर सच सामने आ गया। मेरा नाम अलवीना है, कत्ल किया है सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और सारा मलबा गिरफ्तार मुलजिमान पर डाल दिया। बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करती थी, उसके पीछे कौन था, एहसन का हाथ, भाई हैं अब्बास और एहसन दोनों एक दूसरे को भाई हैं, इतना ब्लैकमेल कर दिया था, इतना टॉर्चर कर दिया था कि मैं खुद अपने आप को खुदकुशी कर रही थी, अपने आप को मार रही थी कि मैं अपने आप को मार दूँ। पहले मैंने कहा मैं एहसन को रास्ते से हटा देती हूँ क्योंकि हम दोनों को दुश्मन बनाने वाला भी एहसन ही था। लेकिन अलवीना और मुलजिमान के बयानात में वाज़े तज़ाद पाया। अलीना कत्ल केस की मरकजी मुलजिम बड़ी बहन अलवीना तो है, लेकिन कत्ल की वजूहात में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कहानी मजीद उलझने लगी। अलवीना और मुलजिमान के बयानात में वाज़े तज़ाद पाया जाता है, मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अलीना को कत्ल क्यों किया, बात इतनी आगे कैसे बढ़ी, मुलजिमान मलबा एक दूसरे लगे। मुलजिमा बोली छोटी बहन अलीना और उसके दोस्त एहसन और अब्बास ब्लैकमेल करते थे। उसने मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था, बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करती थी, उसके पीछे कौन था, एहसन का हाथ, जो दोनों भाई, दोनों एक दूसरे को भाई हैं, इतना ब्लैकमेल कर दिया था, इतना टॉर्चर कर दिया था, मैं खुद अपने आप को खुदकुशी कर रही थी, अपने आप को मार रही थी कि मैं अपने आप को मार दूं। अलवीना ने बताया कि एहसन और अब्बास के पास उसकी नाजेबा वीडियोस थीं, जिसका मुलजिमान ने कई बार उसे हवस का निशाना बनाया। सबूत मिटाने, हमने बोला मिटाने सबूत, मैंने कहा कि ना मिलना पड़ेगा, मिलो, मिली तीन दफा तक उनसे मिली घर के अंदर, उन्होंने पूरा प्यार तक किया मेरे साथ, ज्यादती की मेरे साथ, एहसन ने मेरी बहन के साथ, मेरे साथ, मेरी बहन को तो उनके साथ मिली हुई थी। अलवीना का मंगेतर मजहर कहता है कि सब मजबूरी में किया, मुलजिमान अलवीना को ब्लैकमेल करते थे। तीन दफा ये लोग फिर मिलना चाहते थे, फिर इसने मना करा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, तीन दफा हो गया, चौथी दफा नहीं कर पाऊंगी, फिर इसने बोला या तो मैं खुद मर जाऊंगी या इसको मार दूंगी, उससे नहीं हो रहा था, फिर उसने मुझसे बोला कुछ करना है इसका, फिर उसके साथ मिलकर ये काम करा था हमने। मकतूल अलीना के दोस्त एहसन ने तमाम इल्जाम को रद्द करते हुए अलवीना को कसूरवार ठहराया। हम दोनों बहनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और हालांकि दोनों की बहनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि बहन ने इसमें, इनकी बहन इन्वॉल्व थी, आज वो कहती है कि ना मैंने ब्लैकमेल कराएगा,
हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फोन रिकॉर्ड्स क्लियर निकल रहे। मुलजिम अब्बास ने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई। वो इसको ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से इसने हम दोनों को बुलवाया था, मुझे और इसको बुलाया था कि वो जो तस्वीरें हमारी वो डिलीट करनी है। तो एहसन आया था, अभी एहसन पे ही कहानी। अलीना को कत्ल करने की असल वजह जो भी हो, पुलिस तफ्तीश में सब वाजे हो जाएगा, लेकिन इन वारदातों की एक वजह और भी है, मुआशरे की बेहिसी और समाजी नाइंसाफियां। अलीना कत्ल का मामला तो हल में पीछे कई सवाल छोड़ गया। अलीना का कत्ल हो या नौजवानों की बेरा रवि, या फिर हो आवाम की माशी मजबूरियां, इन अवामिल का जिम्मेदार कौन है? अलीना कत्ल केस में इल्जाम कातिलों को दिया जाए अलीना के या फिर मुआशरे को, सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं जुर्म के पीछे दो बड़ी वजूहात होती हैं, एक माशी मजबूरी और दूसरी गलत तरबियत। लेकिन जुर्म के पीछे खास अवामिल और भी होते हैं, माशरे की बेहिसी और समाजी नाइंसाफियां। अलीना कत्ल केस में चारों अवामिल वाजे हैं। माशी तंगदस्ती में घिरे अलीना के वालदैन को घर की खबर ही ना रही। केस की तहकीकात के दौरे को उठाया गया। बड़ा अफसोसनाक ये वाकया है कि माँ बाप पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए वक्त भी नहीं है, और इतना क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट और इतना सेंसिटिव मामला घर में चल रहा था, और बच्चियाँ अपने वालदैन से डिस्कस बेटी कर नहीं सकी। लेकिन एक अहम बात, आज के दौर की इजाद मोबाइल फोन भी है। गरीब वालदैन के बच्चों के पास कहाँ से आए? के तबस्सुम से मैं बिल्कुल हर पेरेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखें उसके पास वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके पास उसकी यूटिलिटी, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? वो एक ऐसी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है जिस पे के क्या कहते हैं बात करो तो ना ईमो है शायद, वो उसके ऊपर हुआ है। वालदैन की औलाद के मामले में गफलत अपनी जगह, लेकिन हमारा माशरा भी शायद अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी रहा है। रोज़ाना ही कोई ना कोई तकलीफ दे कहानी जन्म लेती है। माशरा रोज़ बरोज़ मसाइल का शिकार होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इमरान खान ने आज के प्रोग्राम में जलसे से खिताब किया और कहा कि हुदैबिया केस खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि पूरा शरीफ खानदान चोर है। उन्होंने कहा कि करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया, सिर्फ 200 ईमानदार लोगों की जरूरत है जो मुल्क को सही डगर पर ले आएंगे। यही नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ और यही नून लीग। जब मैं सियासा, इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है। इधर कहते हैं यहूदी लॉबी के साथ है, और अमेरिका में जिनके ये जूते पॉलिश करते हैं उनको कहते हैं इमरान खान दीनी जमातों के साथ है, तालिबान खान है। अब आप हुदैबा पेपर मिल का केस सामने आएगा तो पता चलेगा कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर ही चोर है। नवाज शरीफ आया एक फैक्ट्री थ्रीज की 1981 में, और इसकी 30 फैक्ट्रियां बन गई 1992 तक। कौम नैब की तरफ देख रही है, जो पिछला नैब का चेयरमैन था वो इस कौम का मुजरिम था। कमर जमान, मेरा वादा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम कौम के मुजरिम हो। ये नैब इंशाल्लाह मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा, अभी से मुझे पता है कि हेड किसको बनाना है। यही पाकिस्तान एक अजीब मुल्क बनेगा। 200 लोग चाहिए, सिर्फ 200 लोग चाहिए। इमरान खान 200 ईमानदार अफराद की तलाश कर रहे हैं, और उनके साथी शेख रशीद ने मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए 3 माह की डेडलाइन भी दे दी है। उन्होंने कहा कि सानहा मॉडल टाउन के बायस शरीफ बरादरी अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं, जो 14 आदमी मॉडल टाउन में इन्होंने शहीद किए हैं। 6 आदमी रावलपिंडी में शहीद किए हैं। दिसंबर से लेके 11 मार्च तक इंशाअल्लाह ताला ये चोर, ये डाकू,
ये लुटेरे, ये बदमाश, ये गैर मुल्की एजेंट, ये नामूस रसालत के दुश्मन, इनकी सियासत को नेस्त व नबूक कर देंगे। तैयार हो जाओ, अगर सीधी उंगली से घी न निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालोगे। इमरान खान का खिताब वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी सुना और कहा कि इमरान खान का आज का खिताब भी घिसा पिटा है। उन्होंने कप्तान से कई डाले, कहा कि इमरान खान बताएं केपीके में बिजली के कितने मंसूबे लगाए, 350 छोटे डैम कहाँ हैं, सूबाई एहतसाब कमीशन का ताला कब खुलेगा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान के हिस्से का काम भी विफाक को करना पड़ रहा है, जब ऑरेंज ट्रेन भी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर कप्तान का क्या बनेगा। और वो उसका जो क्रिमिनल एक्ट है इसको काउंटर करने के लिए और इसमें शफाफियत लाने के लिए एक बार कोडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक 2011 में तकरीबन 100 मरियम औरंगजेब ने तो इमरान खान की हुकूमत पर सवाल उठा दिया, लेकिन वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कप्तान के खिलाड़ी होने पर ही सवाल उठा दिया है और कहा ये कि खिलाड़ी मैच हार जाए तो धरना नहीं देता। इमरान खान 2013 में मैच हार गए थे, लेकिन कहते ये हैं खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। ये बात उन्होंने नारोवाल में तकरीब से कही। जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसमें आप बर्दाश्त सीखते हैं, और अगर आप मैच हार जाए तो मैच हारने के बाद आप धरना नहीं देते, आप अगले मैच की ज्यादा मेहनत के साथ तैयारी करते हैं। बदकिस्मती यह है कि जो लोग खिलाड़ी थे वो सियासत में आए तो मेरा ख्याल था कि वो शायद नौजवानों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करेंगे और सियासत के अंदर एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ आएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जो उन्होंने मैच 2013 में हारा उस हार को तस्लीम नहीं किया और धरने देके एक जिद्दी खिलाड़ी की तरह जो कहता है ना खेलेंगे तो ना खेलने देंगे, उस जिद के ऊपर चलते रहे। क्या आपको 2013 का पाकिस्तान याद है कि जहां 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी, याद है कि नहीं याद है? आज पाकिस्तान में 20 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती, इसको तब्दीली कहते हैं। आसिफ जरदारी ने अपने आप को एक बार फिर मुतबादल क़यादत के तौर पर पेश कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है, किसी जाली खान या नून लीग के पास नहीं। नवाज शरीफ ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो पाकिस्तान के द्वारा ये मसलों को निकाल सकती है, इनका किसी का चाहे वो जाली खान हो या नवाज हो, मेरे साहब ने तो खुद पता है अल्लाह की लाज होती है, पैमाने से चलती यहाँ पहुंची है, देखते हैं कि कितने किस हद तक जाती है। 7 साल में वो खुशी खुशी पर मैं उनको भेज दिया गया। जब हमने बना के खत्म किया तो वो उनको गेम के लिए और उसको क्या फायदा लिया हमने कि सारे अपने पावर प्लांट कर रहे हैं, 1 रुपये पे जो लग सकता था उसको 10 रुपये चला। अब ये वापस हम कैसे करेंगे, क्योंकि वक्त आएगा तो पता पड़ेगा कि कौन कैसे करेगा।